हर नवाब राजा हमारे दर पर सलाम ठोकता है। हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मलिक का जान का सिक्का चलता है। Mind blowing. Come on, darlings. Come on. Do a great shot. Come on. Hey, Hiram is a very big idea. I enjoy doing big sets. I like being lost in this big space because I've always wanted to be lost. We've made it. I've enjoyed making it. Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel. For thousands of free video lessons on how to join films. Hello friends, welcome to Join Films Academy, the practical film school. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल Join Films YouTube चैनल। ऑन लोकेशन वीडियो सबसे पहले Join Films ने अपने चैनल पर पोस्ट करने शुरू किए थे और अब इसका चैनल इतना बढ़ चुका है कि बड़ी बड़ी फिल्में भी अपने BTS ऑन लोकेशन वीडियो शेयर करने लग गई हैं। अभी अभी हमने देखा सबने कि जो हीरा मंडी पहले फिल्म बन रही थी, बाद में वेब सीरीज़ हो गई संजय लीला भंसाली की, उसका BTS भी रिलीज़ हुआ है, वहाँ से भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो जो उम्मीद, जो शुरुआत, जो पहला स्टेप है वो आपकी जो जॉइंट फिल्म चैनल है वो कर देता है। उसके बाद आप देखिए पूरी इंडस्ट्री उसको फॉलो करना शुरू कर देती है और उससे फ़ायदा किसका होता है? सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो यही फ़ायदा है। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो हीरा मंडी का ऑन लोकेशन वीडियो दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं कैनवास कितना बड़ा है, यहाँ पर आर्टिस्ट बहुत बड़े हैं, बाकी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, लेकिन बात वही है कि इसको करने के लिए अगर सीखा भी ऐसे ही तो आप भी ऐसे ही काम कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। The set has to come alive. When the actor walks in, becomes alive. When the cameraman lights it, it comes alive. तो संजय लीला भंसाली की ये फिल्म है, अब लार्जर देन लाइफ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेटअप देख लीजिए आप, कॉस्ट्यूम देख लीजिए आप, ज्वेलरी देख लीजिए, एक्सेसरीज देख लीजिए, कास्टिंग देख लीजिए, हर चीज़ में ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा माहौल क्रिएट किया गया है, शहर क्रिएट किया गया है। एक जो आर्टिस्टिक वे होता है, क्योंकि आप काफ़ी दौर पुराने के काम पे कर जा रहे हैं, तो वहाँ के दौर में कैसे बातें की जाती थी, क्या लहजा था, क्या शब्दावली थी, सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। तीर निशाने पर लगा है मेरी जान और हाथ। जो मोमेंटो हैं वहाँ के वो भी सब वैसे ही बताए गए हैं। आसान नहीं होता है। संजय लीला भंसाली ने पहले भी जितनी फिल्में बनाई हैं वो सब लार्जर देन लाइफ हैं। और ये शुरुआत हुई थी हम दिल दे चुके सनम से, जहाँ पे सेटअप लगाया गया था उसके साथ देवदास, और उसके बाद जो दूसरी फिल्में भी आईं उनकी सब ऐसी थी, बाजीराव मस्तानी, रामलीला सांवरिया, और उसके बाद गंगूबाई जो अभी रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद ये है वेब सीरीज। इसमें खास बात ये है कि संजय लीला भंसाली जितनी डिटेलिंग में काम करते हैं उसमें उनको एक फिल्म बनाने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। अभी ये वेब सीरीज़ है, तकरीबन 4 फिल्मों के बराबर है, तो कितना उन्होंने समय दिया होगा, कितना डिटेलिंग पे काम किया होगा, लेकिन कहीं भी उन्होंने फिल्मों वाला जो सिनेमेटिक एक पैशन होता है वो कम नहीं होने दिया है, ये उनकी बातों से भी झलकता है। वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स हु रियली एक्चुअली वीव आर्किटेक्चर एंड वैल्यू इट सो मच। सेट बना दिया, उसमें खड़े कर दिए। कास्ट तो हमेशा ही संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहती है और उनका जो तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का उसके साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि हर कास्ट को अपने करेक्टर की डिटेलिंग भी पूरी तरह से मालूम होती है, चाहे वो डायलॉग को लेकर हो या फिर उनके कॉस्ट्यूम्स को लेकर हो, पूरा का पूरा जो करेक्टराइजेशन होता है वो उनको एकदम क्लियर होता है। अरे नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। एक और खास बात है इस वेब सीरीज की कि कास्टिंग जो है, जैसे हर फिल्म में आप देखेंगे संजय लीला भंसाली की कास्टिंग जो रहती है वो भले ही ट्रेडिशनल तरीक़ों से ना हो, मतलब एक बहुत ही सेंटिमेंटल वाली फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, जिसमें लोग सलमान खान को सोच भी नहीं सकते उसमें वो कास्ट किया। उसके बाद गंगूबाई में उन्होंने कास्ट किया आर्या भट्ट को, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से कई लोगों को लगा था कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन बाद में वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। ऐसे ही अगर आप देखें तो इसमें वेब सीरीज़ में उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, फरदीन खान हो, शेखर सुमन हो, ये सब वो कास्ट हैं जिनके बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। Excuse me, this is the menu. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहां देखने को नसीब होगा? संजय लीला भंसाली के सारे क्रिएशन यही कहते हैं कि सिनेमा सिनेमा होता है, उसकी सोच जो होती है सिनेमेटिक होती है, फिर भले ही मीडियम कोई भी हो, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि संजय लीला भंसाली ने भी शुरुआत बहुत छोटे रूप से की है। असिस्टेंट बने पहले वो,
उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में काम किया। पहली फिल्म बनाई खामोशी, जिसमें ना तो सेटअप था, बहुत ही एक छोटी सी कहानी थी वो उन्होंने कही, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो अपनी एक ब्रांड इमेज बनाई लार्जर देन लाइफ फिल्म की, जिसमें म्यूजिक होता है, बड़े बड़े सेटअप होते हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स होती हैं, बड़ी स्टार कास्ट होती है और लेविश एक देखने को मौका मिलता है जो कि वाकई सिनेमा के पर्दे पर बहुत ही खूबसूरत और प्रभावी लगता है। जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था, आज वो प्यार नहीं है, तुम बदल गई हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को ही साइन किया है, हम सभी जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे आर्टिस्टों ने इसमें काम किया है, जैसे कि कुछ आर्टिस्ट ने मेरे साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किए। अभी तो सभी बात कर रहे हैं उसके बारे में, हीरा मंडी, हीरा बंसाली के साथ। ओके, अनदर माइलस्टोन कवर्ड। इवन इसी हीरा मंडी में एक बहुत छोटा सा रोल सही, लेकिन जॉइंट फिल्म्स के स्टूडेंट ने भी किया है, संतोष जी ने। हीरा बंसाली के बारे में ये माना जाता है और सुना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आर्टिस्ट लोग बहुत घबराते हैं उनसे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी खुद करके दिखाते हैं, सारी डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा माइनूटली देखते हैं। आपने उनको सामने से देखा है, मतलब एक तरह से उन्होंने आपका पूरा सीन डायरेक्ट किया है ना, जब इतना बड़ा डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा होता है और डायरेक्ट मिलता है तो क्या एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल, उनका नाम मतलब संजय लीला भंसाली, वो एक नाम ही काफ़ी है, वो वाली बात है। तो मैं अपने आप को बहुत ऐसे खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे एक मौका मिला उनके वेब सीरीज़ में काम करने का, हीरा मंडी में। छोटा किरदार था लेकिन आई हैव गॉट अ वेरी प्राउड फीलिंग उसके बाद, और कहीं ना कहीं मुझे ये मेरे करियर में बिल्कुल हेल्प करेगा। जब वो छोटे छोटे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं जॉइन फिल्म्स एकेडमी में, जो कि स्टूडेंट के साथ किए जाते हैं शॉर्ट फिल्म के, तो उनका ग्रैंडर इतना बड़ा नहीं होता, उनका सेटअप इतना बड़ा नहीं होता, उनकी कॉस्ट्यूम इतनी कॉस्टली या खूबसूरत नहीं होती, लेकिन जो सिनेमेटिक वे है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो सेम ही होती है और वही एक्सपीरियंस देता है कि एक नया आर्टिस्ट संजय लीला भंसाली की भी वेब सीरीज में शामिल हो सकता है। तो आप भी इस तरह से ऑन लोकेशन प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, कब से बैचेस शुरू हो रहे हैं, पता करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल जरूर करें और गाइडेंस लेकर ज्वाइन करें। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगे। तो ये था एक वीडियो जिसमें कि मैंने आपको हीरा मंडी का ऑन लोकेशन वीडियो दिखाया, साथ में अपने भी कुछ मैंने क्लिपिंग्स को जोड़ के दिखाया, ताकि आप समझ पाएं कि अगर बड़े लेवल तक पहुंचना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप ही लेने होते हैं। अगर आपकी लर्निंग ऐसी होगी तो आप बड़े प्रोजेक्ट में कभी भी जाके आसानी से काम कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन सी जानकारी चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।